हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पे ले जाने वाले हैं जहां पर अगर आपने किसी का फोन बिना उसकी इजाजत के छुआ ना तो आपको जेल हो सकती है। एक समय पे ये देश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज पूरी तरह से ये मुल्क चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। इस देश के लोगों का रहन सहन और खान पान काफी हद तक भारत के ही जैसा है। आज लगभग पूरी दुनिया इस देश को एक दुश्मन की तरह देखती है, लेकिन असल में इस देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया से बिल्कुल अलग और खास बनाती हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस देश में आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क मौजूद है। ये देश खुद तो फुटबॉल नहीं खेलता, लेकिन पूरी दुनिया में फुटबॉल एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आपने गेस तो कर ही लिया होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश पाकिस्तान के सफर पर। लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान, यानी कि एक ऐसी जगह जो बिल्कुल पवित्र हो। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 22 करोड़ 30 लाख के आसपास है और आबादी के मामले में ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। इस देश में 96.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वहीं 2.2% लोग हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं और 1.22% लोग लगभग ईसाई धर्म को मानते हैं। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में कोई अगर अपनी पढ़ाई के ऊपर 2 लाख से ज्यादा खर्चा करता है ना, तो उसे टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। जी हां, अब सोचिए आप, जहां तमाम देश मुफ्त का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं इस देश में सरकारें टैक्स वसूल रही है पढ़ाई पे। यार पता नहीं क्या ही हिसाब किताब है इनका। दोस्तों, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा तो उर्दू है, लेकिन सिर्फ 8% लोग ही यहाँ पर उर्दू भाषा में बात करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हिंदी, पश्तो, सिंधी और बलूची जैसी भाषाएं भी लोगों के द्वारा आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान के लोग इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लगभग सभी उम्र के लोग सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। टिकटॉक भी पाकिस्तानियों के बीच में काफी लोकप्रिय है और एडल्ट फिल्में देखने के मामले में तो भाई पाकिस्तान सबसे आगे है। और क्या, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की एक और खास बात पता है क्या? वो ये है कि यहाँ की लड़कियाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। काले घने लंबे बाल, चेहरे पर मुस्कान, होंठों पर लाली और आंखों में नजाकत आए है। ऐसी लड़की को देखकर तो सख्त से सख्त लौंडा भी पिघल जाएगा। कई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को भारत में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि भारत के बॉलीवुड की तरह ही पाकिस्तान में भी अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है जिसका नाम लॉलीवुड है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री द्वारा बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई जाती है। पाकिस्तान के नागरिक तो भारतीय फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं और शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स की तो पाकिस्तान में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर आप फेसियल मॉस्क्यू, पाकिस्तान मेमोरियल, दमने कोह, लोह विरसा म्यूजियम और रावल लेक घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की GDP $47.743 बिलियन है, जो इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क के हिसाब से काफी कम है। जी हां, पाकिस्तान में आज भी 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। पाकिस्तान में लोग शिक्षा के प्रति भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब भाई, जहाँ टैक्स भरना पड़ेगा शिक्षा के लिए, तो कोई क्यों ही ध्यान देगा। और यही वजह है कि देश की लिटरेसी रेट मात्र 62% है। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के ऊपर 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान ने न सिर्फ चीन से बल्कि IMF जैसी संस्थाओं और अमेरिका से भी पैसा उधार ले रखा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपने कर्जे को चुकाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवाद के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बना ली है। अब सुनने में तो मिला है कि देश में सरकार अवैध रूप से टेरर फंडिंग करती है, और कहने को तो आज पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन दोस्तों देश के ज्यादातर छोटे बड़े फैसले सेना के चीफ द्वारा ही लिए जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ लोगों ने देश को बांटने का काम किया। जिस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई के नारों की गूंज होती थी, उसी देश को धर्म और राजनीति के लिए बांट दिया गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन दुनिया के सबसे बड़े विभाजनों में से एक माना जाता है। 1947 से लेकर 1955 तक पाकिस्तान एक धर्म निरपेक्ष देश था, लेकिन बाद में इस देश ने खुद को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। पाकिस्तान में आज मुख्य रूप से 4 प्रांत हैं, जिनमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। गिलगित, बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के स्वायत्त वाले क्षेत्र हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने बजट का 20-25% हिस्सा सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर वाला दुनिया में पहला इस्लामिक देश बना था। 28 मई
1998 को पाकिस्तान ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। आपको बता दें कि अब तक पाकिस्तान के 2 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें से मलाला यूसुफजई हैं, जो दुनिया में सबसे कम उम्र में ये सम्मान हासिल करने वाली शख्सियत हैं। मलाला के बारे में तो आप सभी ने काफी सुन रखा होगा। वैसे बेहद कम उम्र में वो महिलाओं की शिक्षा के लिए आतंकवादियों से भिड़ गई थी। वहीं साल 1989 को फिजिक्स के लिए अब्दुल सलाम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको सुनकर हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान में अगर आप किसी का फोन उसकी इजाजत के बिना छूते हैं ना, तो भाई ये गैर कानूनी माना जाता है वहाँ पे, और इसके लिए आपको 6 महीने तक की सजा देने का प्रावधान भी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने किसी नागरिक को इसराइल जाने का वीजा ही नहीं देता है, क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री इसराइल को देश ही नहीं मानती है। हालांकि ज्यादातर इस्लामी देशों को इसराइल से तकलीफ है, लेकिन पाकिस्तान को तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, वो उसे देश ही नहीं मानता है। दोस्तों क्या आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली 80% फुटबॉल सिर्फ पाकिस्तान में बनती है। यहाँ सेलकोट नाम की एक जगह है जहाँ काफी मात्रा में फुटबॉल बनाई जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने कपड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के सूट और साड़ियों की डिमांड भारत में भी देखी जाती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग अपने ट्रकों को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। इन ट्रकों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई दुल्हन शादी के लिए जा रही हो। असल में पाकिस्तान के लोग ट्रकों को अपना पूरा घर भी मानते हैं। पाकिस्तान के द काराकोरम हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इस हाईवे की खासियत यह है कि ये 1300 किलोमीटर लंबा है, जो पत्थरों से बनाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हुंजा वैली में दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम लगा हुआ है। 16,007 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये एटीएम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेहरगढ़ सभ्यता के अवशेष मौजूद है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के भी कई सबूत पाकिस्तान में है। अब भाई भारत का हिस्सा रहा है तो वहाँ तो होंगे ही होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है। हैरानी हुई ना, लेकिन ये सच है। आज हमारे देश में कितनी बार समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण मरीज दम तोड़ देते हैं, लेकिन इस मामले में देखो पाकिस्तान कितना बेहतर है। यहाँ हर गांव कस्बे में एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद है। अब बात करें अगर पाकिस्तान के जायके की, तो यहाँ का खाना भी हमारे हिंदुस्तान की तरह ही काफी मजेदार माना जाता है। निहारी इस देश की सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय डिश है। इसे पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहा जाता है। इसके अलावा चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, सज्जी जैसे अनेकों डिशेस हैं, जिनका नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीन लोगों के मुंह में तो यार पानी आ जाता है। अब दोस्तों पाकिस्तान भले ही एक मुस्लिम बहुसंख्यक वाला देश है, लेकिन मिथी नाम का एक ऐसा कस्बा भी है जहाँ हिंदू आबादी अधिक है। इस जगह को मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में ईद उल फितर, ईद उल अजहा, शबे बरात और ईद मिलाद ए नबी जैसे त्योहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन होली और दिवाली जैसे त्योहारों के समय भी पाकिस्तान में रौनक देखने को मिलती है। हिंदू के साथ साथ मुसलमानों के बच्चे भी होली के दौरान रंगों से खेलते हुए नजर आते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान में आज भी कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। हिंगलाज माता मंदिर, कटास राज शिव मंदिर, राम मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, वरुण देव मंदिर आदि जगह पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रमुख आस्था के केंद्र है। साथ ही पाकिस्तान में कई गुरुद्वारे और चर्च भी आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगह मौजूद है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की नल्टर वैली, रंगीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही कहा जाता है कि इस जगह पर पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट आलू उगाया जाता है। इसके अलावा पीओके की नीलम वैली एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर जगह है। यहाँ की हसीन वादियों में आने के बाद तो आए है, है, है। आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा यार, यहाँ इतना सुंदर रहता है सब कुछ। इसके अलावा गोजल वैली, कलाशा वैली और काघन वैली जैसी अनेकों जगहें हैं जहाँ आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों का दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इस शहर की ज्यादातर धरोहर मुगलों द्वारा ही बनाई गई थी, जिसमें औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम प्रमुख है। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1673 में करवाया गया था। इस मस्जिद की खास बात यह है कि यहां पर एक साथ 55,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। शालीमार बाग पाकिस्तान का एक और प्रमुख स्थल है। इसे पुराने समय में पर्शियन पैराडाइज गार्डन और रॉयल गार्डन भी कहा जाता था। भारत में जिस तरह उदयपुर अपने शाही शादियों के लिए प्रसिद्ध है ना, ठीक उसी प्रकार से लाहौर का रॉयल फोर्ट भी अपने लग्जरी और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लाहौर फोर्ट भी घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इसे शाही किले के नाम से भी जाना जाता है और ये कुल 20 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये किला यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया हुआ है। अब बात करें लाहौर के चिड़ियाघर की, तो कोलकाता के चिड़ियाघर के बाद पूरे दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे पुराना जू है ये, जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। इसके अलावा जहांगीर टॉम, गुरुद्वारा डेरा साहिब, शीश महल, लाहौर म्यूजियम जैसी अनेकों जगहों पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको लाहौर में शॉपिंग करनी है ना, तो यार बिना सोचे समझे दाता दरबार और अनारकली बाजार चले जाना, बहुत मस्त मस्त चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान भी घूमने के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान के मुबारक गांव में आप समुद्री तटों का आनंद ले सकते हैं, जहां आप उगते और ढलते
हुए सूर्य के साथ खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। पाकिस्तान में एक परंपरा कई दशकों से चली आ रही है जिसका नाम है हक बख्शीश। इसमें लड़कियों की शादी कुरान के साथ करा दी जाती है। जी हाँ, कुरान से शादी हो जाने के बाद महिला को अन्य किसी व्यक्ति से शादी का हक नहीं होता है। ये एक कुप्रथा है जिसे इस्लाम धर्म और पाकिस्तान दोनों ही प्रतिबंधित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सिंध प्रांत सहित कई जगहों पर ये प्रथा चल रही है। सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे हमारी अनबन चलती रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और कौन सी बात आपको सबसे खराब लगती है, दोनों बताइए। वैसे क्या कभी आप पाकिस्तान गए हो, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।